हेलो बच्चों, मैं रूबी चौहान और आज मैं आप लोगों को सोशल स्टडी क्लास 8 की सोशल स्टडी चैप्टर देख लीजिए। यह है चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस। चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्सेस। ठीक है, सो रिसोर्सेस क्या है आज हम इसके बारे में देख लेते हैं कि रिसोर्सेज किसको कहते हैं। रिसोर्सेज को हिंदी में कहते हैं संसाधन। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं यूजफुलनेस ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो पढ़ लेते हैं कि रिसोर्सेज होता क्या है। सो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रिसोर्सेज का पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच ह्यूमन नीड एंड वैल्यू कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है ऑल मतलब बेस, सभी चीज़ें जो कि वातावरण में एनवायरनमेंट में, वो सभी चीज़ें जो कि हमारे हमारी आवश्यकताओं, नीड मतलब क्या होता है, आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ठीक है, और उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कोई कुछ ना कुछ उनके हमारे लिए, हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन नीड्स को पूरा करने वाली जो भी चीज़ें हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेज कहलाती हैं। अब देखो हमारी नीड्स को कौन कौन क्या क्या पूरा करता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी वर्क करना चाहता है तो उसकी नीड्स क्या है, उसको नोटबुक चाहिए, उसको बुक पेन चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, ये सब क्या है, उसकी नीड्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये सब क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया, साधन हो गया। ठीक है, जिसके द्वारा क्या वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है, यानी अपने वर्क को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उसकी वैल्यू के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस स्टूडेंट के लिए क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है ना, अगर आपको पढ़ने के लिए पेन ना दी जाए तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके लिए बेकार हो जाएगी ना। तो इसीलिए उसकी वैल्यू आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूवान हो जाती है जब आपकी नीड्स को कोई चीज़ पूरी करती है। दिस सेटिस्फाई अवर वांट्स, हमारी जो भी हमारी इच्छाएं हैं उन सबको क्या करती है, ये पूरी करती है। प्रोवाइड्स अस कंफर्ट, और जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमारा माइंड शांत हो जाता है, हमें आराम मिलता है। इनफैक्ट सेवन इवन ह्यूमन बींग्स आर ए रिसोर्स, यहाँ तक कि जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, वो भी क्या, एक रिसोर्स है, वो भी एक साधन है। बिकॉज इट इज़ थ्रू ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल दैट अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड। देखो ह्यूमन क्या करता है, अपनी नॉलेज का, नॉलेज मतलब अपने ज्ञान का, स्किल्स मतलब जो उनके अंदर कौशल हैं, जो उनको काम करने की, जिनके अंदर जो योग्यता है, जो जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को डेवलप मतलब उसका विकास करने में ह्यूमन का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कोई फैक्ट्री खोलनी है तो ह्यूमन क्या करेगा, अपना रोल निभाएगा। ठीक है, और वो सिलेक्ट करेगा कि उसको किस चीज़ की फैक्ट्री खोलनी चाहिए, वो किस चीज़ की फैक्ट्री में ज़्यादा सफल हो सकता है। तो ह्यूमन क्या कर रहा है, उसको डेवलप कर रहा है, किसी भी चीज़ को, किसी भी रिसोर्स को क्या कर रहा है, वो डेवलप करता है। तो ह्यूमन बीइंग्स भी क्या है, एक रिसोर्स है। आगे पढ़ लेते हैं यूजफुलनेस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का क्या क्या यूज है हमारे लाइफ में वो भी पढ़ लेते हैं। सो यहाँ देख लेते हैं यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब होती है, यूटिलिटी मतलब आवश्यकता। ठीक है, ज़रूरत क्या है हमारी, द यूजबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज टर्म्ड एज यूटिलिटी, जो उपयोगिता होती है उसको क्या करते हैं हम, जब उसका हम यूज करते हैं तो उसी यूज को क्या कह लेते हैं, हम यूटिलिटी का नाम देते हैं। दीज सबस्टेंस आर यूज्ड बाय पीपल फॉर वन अदर पर्पज, यही पदार्थ क्या है, जब दूसरे लोगों के काम के लिए उनका प्रयोग किया जाता है तो उसको यूटिलिटी की लिस्ट में रखा जाता है। जैसे सपोज करो कि हमें हमें सब्जी बनानी है और उसमें डालने के लिए हमें ऑयल चाहिए, नमक चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, ये सब क्या है, हमारी आवश्यकता है। और हमारी आवश्यकताएं कौन पूरा कर रहा है, हमारे ये रिसोर्स पूरे कर रहे हैं। रिसोर्स कई टाइप्स के होते हैं, चाहे वो
लिविंग रिसोर्स हो नॉन लिविंग रिसोर्स हो, ठीक है, दोनों प्रकार के रिसोर्स हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वैल्यू, देखो वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर दिखाया है द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स गिवन द वैल्यू ऑफ अदर वर्ड्स, दे हैव सम वर्थ, दे वैल्यू इज मैनी काइंड लाइक ए लैंडस्केप एस्थेटिक वैल्यू मेटल एंड मिनरल्स, ठीक है। देखो क्या होता है वैल्यू, जब हम किसी भी चीज़ की खोज करते हैं, ठीक है, जैसे खोज कर लेते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, उसका हम कुछ मूल्य निर्धारित करते हैं, हमारे लिए उसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, कुछ उसकी बर्थ होती है, ठीक है। जैसे हमने लैंड पर क्या अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना दी, होटल्स बना दिए, ठीक है, ठीक है, स्मारक बना दिए, मोन्यूमेंट्स बना दिए, ब्यूटीफुल चीज़ें बना दी, उनको देखने के लिए लोग आएंगे, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, मूल्यवान हो जाएंगी। मेटल हैं, क्या है वो मेटल, कुछ मूल्य रखते हैं, वैल्यू रखते हैं हमारे लिए, गोल्ड है ना, वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने में हमारी हेल्प करते हैं, पेट्रोलियम हुआ, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने में तैयार रहते हैं। तो जब ये चीज़ें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करती हैं तो इनकी फिर कुछ, इन रिसोर्सों की कुछ वैल्यू हो जाती है हमारी लाइफ में। वैल्यू मतलब हमारे लाइफ में कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ का उतना ही वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू इन फ्यूचर, देखो वैल्यू फ्यूचर में किस तरह से, किन किन चीज़ों का फ्यूचर में वैल्यू बढ़ सकती है, तो सम रिसोर्सेज मे नॉट बी वैल्यूएबल इन प्रेजेंट, कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट टाइम पर हम उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते, बट बिकम इकोनॉमिक की वैल्यू इन फ्यूचर, लेकिन ये बाद में हमारे फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, ये हमें इकोनॉमिक की लिए, यानी कि हमें धन से रिलेटेड हमारी वैल्यूएबल, मतलब हमारे फ्यूचर में हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं। जो चीज़ें हमें अभी नहीं प्रेजेंट में मिल पा रही, वो बाद में हमें जा कर के हमारे लिए बहुत मूल्यवान हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मेडिसिन हर्ब्स, जो मेडिसिन होती हैं, जो हर्ब्स होती हैं, जो मेडिसिन की जो हर्ब्स वो होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, वो क्या, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में वो क्या हमारे काम में आ सकती हैं। सब अनआइडेंटिफाइड मिनरल्स, जिन कुछ हमने मिनरल्स को खोज निकाला है, जान लिया है, तो वो भी क्या हमारे फ्यूचर में आगे जा कर के काम में आएंगे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की विशेषताएं, मैन यूजेज टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स टू ऐड वैल्यू रिसोर्सेज विच हैव फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक। देखो हमें पता है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारी लैंड पर पाए जाते हैं, पर हम उसको, ऐसा तो है नहीं है कि सारे रिसोर्स लैंड के ऊपर ही पाए जाते हो, नहीं, तो उसको निकालने के लिए हमें टेक्नोलॉजी और अपनी स्किल्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, रिसोर्सेज आर फाउंड इन मैनी फॉर्म्स सच एज एयर, जो रिसोर्सेज हैं वो हमें कई रूपों में प्राप्त हो सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, वुड, गोल्ड, ऑयल, कोल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन सभी के रूप में क्या हमें रिसोर्सेज प्राप्त हो सकते हैं। एयर के रूप में भी रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, वाटर के रूप में, वुड लकड़ी के रूप में, गोल्ड सोना, ऑयल कोल, एनिमल्स और प्लांट्स के रूप में हमें क्या रिसोर्सेज प्राप्त हो सकते हैं। बट रिसोर्सेज नीड टू प्रोसीड एंड एक्सप्लॉइटेड टू मेक देम यूजफुल, लेकिन हम इन रिसोर्सों को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या एक्सप्लॉइटेड मतलब इसको निकालेंगे और अपने प्रयोग में लाएंगे, पृथ्वी के अंदर से इन रिसोर्स को अपनी स्किल्स और अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, इनको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट रिसोर्सेज नीड टू बी प्रोसीड एंड एक्सपोर, वुड इज मेड इनटू पल्प एंड पेपर, टी लीव्स एंड प्रोसीड टू मेक टी। देखो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लकड़ियाँ हैं वो हमें बहुत सारे फर्नीचर का बनाने में काम कर आती हैं, ठीक है। टी लीव्स होती हैं जो चाय की जो पत्ती होती हैं वो भी हमारे काम आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें जानकारी के आधार पर क्या करें, हमें अगर उसकी नॉलेज है तो नॉलेज के आधार पर हम क्या करेंगे, उसकी खोज करेंगे और फिर उसे हम अपने लिए इकोनॉमिकली क्या अपने फ़ायदे में लाएंगे, अपने और लोगों तक उसका फ़ायदा भी पहुंचाएंगे, यही है। टेक्नोलॉजी इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग और रिसोर्स मैक्सिमम यूजफुल,
टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमारी लैंड के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं पर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वो सब बेकार हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी हमें हमारी यूज में लाने तक वो हेल्प करती है। ऑन अकाउंट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्थ सरफेस क्लाइमेट रिसोर्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ, ऐसा नहीं है कि सभी जगह क्या होता है कि एक से ही रिसोर्स हो, नहीं, कहीं पर कम रिसोर्स होते हैं तो कहीं पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या एक समान नहीं है कि हर जगह पृथ्वी पर एक जैसा ही रिसोर्सेज पाया जाता, नहीं, अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, अब यहाँ पर देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो डायरेक्टली नेचर ने हमको दिए हैं, ठीक है, नेचर ने दिए तो हैं। अब देखो एयर है, हमें नेचर ने ब्रीथ लेने सांस लेने के लिए एयर दिया है, वाटर ड्रिंक पीने के लिए, सॉइल ग्रो क्रॉप्स फसलों को उगाने के लिए हमें सॉइल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, गॉड गिफ्ट है, नेचर ने हमको दिए। इन सम वे सनराइज फॉरेस्ट मिनरल्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बॉइंग्स, ठीक है, सूरज का उगना, सूरज का अस्त होना, जंगल, ठीक है, मिनरल्स, ये सब क्या है ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, ठीक है। दे गिफ्ट ऑफ नेचर सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यही क्या होता है, नेचर की दिया हुआ गिफ्ट है जो कि मनुष्य की इच्छाओं को पूरी करता है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करता है। दीज आर नॉन एज नेचुरल रिसोर्स, यही नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। एंड नेचुरल रिसोर्स इज एनी गिफ्ट ऑफ नेचर दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, नेचुरल रिसोर्स वो हैं जो नेचर के द्वारा यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया गया गिफ्ट है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें से एयर, वाटर, सनलाइट, सोयल, मिनरल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड एक्वायर वैल्यू, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं, ये मनुष्य ने नहीं बनाए। कि मनुष्य का मन है कि आज हमें हवा बहुत तेज फील करनी है तो नहीं हो सकता ना, आज नेचर के मर्जी होगी आज हवा चलेगी नहीं चलेगी, नेचर तूफान लाना चाहता है, ठीक है, नेचर कुछ भी कर सकता है। तो वाटर है, वाटर का भी क्या है, अब वाटर पे गए नहीं भाई हम ही पानी पिएंगे और पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे या अफगानिस्तान को पानी नहीं देंगे, ठीक है, चाइना को पानी नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सब क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं जिस पर सबका अधिकार है, ठीक है। सनलाइट, सूरज की रोशनी, कहे नहीं भाई आज तो हम सिर्फ स्टूडेंट पर ही कृपा बनाए रखेंगे और आज उन्हीं को आज रोशनी देंगे और बाकी सब ऐसे ही अंधेरे में रहो, तो ऐसा नहीं है, ये सब सबके लिए है समान। सॉइल, मिट्टी सभी को मिलती है, है ना, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वालों के लिए नहीं भाई हम तो तुम्हें सॉइल नहीं देंगे, तुमने तो बहुत बुरा किया है, ऐसा बेकार चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। तो सॉइल ये सब गॉड गिफ्ट हैं और गॉड सबके साथ बराबर बराबर कर न्याय करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह पूरी पृथ्वी पर प्राप्त होती हैं। नेचुरल रिसोर्स भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्स में हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो सतह पर पाई जाती हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे एयर है, वाटर, सनलाइट, इन सबको हम सब यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसी होती हैं जो कि पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, तो पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं तो उनकी खोज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। तो जैसे पेट्रोलियम है, जैसे कि डीजल है, ठीक है, और मिनरल्स हैं, और आयरन है, गोल्ड है, ये सब हमें क्या टेक्नोलॉजी का यूज करके ही हम इसको बाहर करते हैं, फिर इसकी बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन कराना पड़ता है, इसकी सफाई करानी पड़ती है, जब तक कहीं जा करके ह्यूमन के काम में वो आती है। इनका क्लासिफिकेशन भी किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है कि बेस्ड ऑन ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल रिसोर्स का क्या है गया क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब इसको विभाजित किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड बायोटिक एंड अबायोटिक, इसको ओरिजिन के आधार पर बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स में परिवर्तित किया गया। अभी बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक मतलब ऐसे रिसोर्स जो कि लिविंग थिंग्स है से रिलेटेड है और बायोटिक है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक रिसोर्स क्या है, द लिविंग रिसोर्स विच सस्टेन लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स, जो लिविंग रिसोर्स हैं जो कि अपनी लाइफ को क्या करते हैं जीने के लिए काम लाते हैं, जो अपनी
बायोटिक जिनमें लाइफ होती है, प्रेजेंट होती है लाइफ, वो सब क्या कहलाते हैं, बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे ह्यूमन, ही एनिमल्स, प्लांट, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सब क्या होता है, इनके अंदर लाइफ पाई जाती है, ग्रो करते हैं, ये बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। और दूसरा होता है अबायोटिक रिसोर्स, इस पर क्या होते हैं, जो बायोटिक वाले होते हैं इन पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, ये उनके लिए खाना पीने की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये अबायोटिक होते हैं, अबायोटिक बायोटिक लोग अबायोटिक रिसोर्सों पे पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। जैसे कि लैंड, लैंड अबायोटिक है, मिनरल्स, फ्यूल्स, ये वाटर, सनलाइट, ये सब क्या होते हैं, अबायोटिक होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या, ये रिसोर्सेज हम लिविंग थिंग्स के लिए भी आवश्यक होते हैं, इसी पर लिविंग थिंग्स, क्योंकि लिविंग थिंग्स को एयर भी चाहिए रहने के लिए, लैंड भी चाहिए, मिनरल्स भी किस में पाए जाते हैं, लैंड पर पाए जाते हैं। दूसरी है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट और एंड यूज, देखो विकास के आधार पर इसका उपयोग, विकास के आधार पर, तो विकास के आधार पर क्या उपयोग, रिसोर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड टू टाइप्स, इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पोटेंशियल रिसोर्स, ये पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं देख लेते हैं, द रिसोर्स विच हैव द पोटेंशियल टू बी यूटिलाइज बट देयर स्टॉक और क्वांटिटी इज नॉट नॉन, ये वो पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी है क्या, हमें ज्ञात नहीं है, कितनी मात्रा में ये इनका स्टॉक है इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। आर रिफर टू एज पोटेंशियल रिसोर्स, ये सब हमें पोटेंशियल रिसोर्स कहलाते हैं। दीज रिसोर्स कुड बी यूज इन फ्यूचर, इन रिसोर्सों का प्रयोग हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इनका प्रयोग हम फ्यूचर में कर सकते हैं, इसलिए जिन इनकी हमें मात्रा पता नहीं है, इनका कितना इसको हम प्रेजेंट टाइम पर क्या, प्रेजेंट टाइम पर इनका हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ना तो इनकी मात्रा पता है और इन्हें हमें फ्यूचर में ही जा कर के कहीं प्रयोग में अपने ला सकते हैं। जैसे इंडियन बींग लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन हैज इनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ बाइंड, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, जो बाइंड है, जो बाइंड मतलब जिसको पंचक्की भी कहते हैं, पवन चक्की, ठीक है, उनका प्रयोग भी किया जाता है, सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है उनका भी प्रयोग किया जाता है। अकाउंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज फुल, तो पहले नीदरलैंड में क्या था, पहले पवन चक्की का एक फ्यूचर वाला यानी पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में नीदरलैंड में इसका बहुत प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर गुजरात के पास भी पवन चक्की का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, पवन चक्की जिसको कि हवा दे रहा है उसको यूज किया जाता है, ठीक है, उसे बिजली जनरेट की जाती है। इन चीज़ों का हम क्या, अब यो सोलर एनर्जी, आज सोलर एनर्जी का हम क्या कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करके सोलर एनर्जी का हम आज फ्यूचर में, प्रेजेंट डे में क्या कर रहे हैं, यूज में ला सकते हैं, लेकिन पहले क्या था, ये फ्यूचर में ला सकते थे, पहले इनका यूज नहीं कर सकते थे। एक्चुअल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं, दीज रिसोर्स हुज एक्चुअल सर्वाइव क्वान्टिटी इज नॉन आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिनकी क्वान्टिटी हमें पता है और जिन वो रिसोर्स हमें एक्चुअल रिसोर्स कहलाते हैं। ऑल ऑफ दिस नॉट वी यूज करेंटली बट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ देयर बीइंग यूटिलाइज्ड इन फ्यूचर, इनका क्या है, ऑल ऑफ दिस मे नॉट वी यूज करेंटली, इनका भी क्या हम अभी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ संभावना है कि इन्हें हम फ्यूचर में इनका प्रयोग कर सके। फॉर एग्जाम्पल, रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर इन दी दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू में क्या है, आयरन के और मतलब लोहे की मौजूदगी है और इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। एंड नेचुरल गैस, गुजरात रीजन इन एक्चुअल रिसोर्स, गुजरात में जो पाई जाती हैं वो नेचुरल रिसोर्स, वो सब एक्चुअल रिसोर्स का ही एक उदाहरण है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपको हम बता देंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।